अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जो है वो एरे से कंपैरिजन करवा के एक ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया था, ठीक है। और हमने ये सीख लिया था कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पॉसिबल चीज़ें हैं जो उसमें आ सकती हैं, ठीक है। और हमें पता ये चला था कि सब कुछ ही रख सकते हैं, जैसे एरे में हम सब कुछ रख सकते थे। सब कुछ का मतलब है कि स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन। अच्छा, बूलियन भी लास्ट क्लास में हमने अच्छे से डिटेल से देखा था कि बूलियन क्या होता है, क्योंकि बूलियन हम शुरू में मिस कर गए थे किसी वजह से। अच्छा, तो हमने ये देखा कि इसमें जिस तरह एरे में सारे डेटा टाइप्स रख सकते हैं हम अलग अलग इंडेक्स पे, उसी तरह ऑब्जेक्ट में भी हम हर तरह का डेटा टाइप रख सकते हैं। और एरे और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है कि एरे के अंदर इंडेक्स के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं कि भाई पहले इंडेक्स पे क्या था, दूसरे पे क्या था, तीसरे पे, उस पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर हर प्रॉपर्टी का एक नाम होता है, हम उसको नाम से एक्सेस करते हैं। ठीक आता है, रुक गई। खैर, अच्छा, आप सब लोगों ने अभी एपीआई कॉल करना भी सीख लिया माशाल्लाह से। ओपन हमने एपीआई कॉल करके देखी थी, तो आपने देखा हमने दो एपीआई अभी तक इस्तेमाल किए, वेदर की और एक नमाज टाइमिंग की एपीआई। तो दोनों में आपने देखा कि जब डेटा वेदर का आता है या एपीआई किसी भी किस्म का डेटा आपको देती है तो वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ तक के जितनी भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर जो जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट है जेसन, इसकी सपोर्ट मौजूद है। तकरीबन जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसमें जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट की सपोर्ट होती है, ठीक है। और जो रेस्ट एपीआईज हैं उनका स्टैंडर्ड है कि वो अभी इस वक्त जो करंटली सबसे ज़्यादा फेमस है वो रेस्ट एपीआईज है। इससे पहले सोप वगैरह दूसरे नाम से होती थी, उसमें डेटा एक्सएमएल में आता था, लेकिन अभी जो ज़्यादातर 90% एपीआईज हैं वो जेसन रिटर्न करती है, जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करती है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे अगर यही अजान की एपीआई या यही वेदर की एपीआई अगर मैं सी शार्प से भी कॉल करता ना, तो मुझे डेटा जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में ही मिलता। तो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट इतना ज़्यादा फेमस है और इतना ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, सी शार्प में तो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट नहीं होते, तो उसके अंदर सपोर्ट मौजूद है या तो लाइब्रेरी के ज़रिए या तो कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने बिल्ट इन सपोर्ट दी हुई है, ठीक है। इसकी अहमियत को देखते हुए, इसके इतने ज़्यादा यूजेज को देखते हुए, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का जो अभी आप पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी तक जो ऑब्जेक्ट के अंदर ये देख लिया है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हर तरह का डेटा टाइप रख सकते हैं, एरे भी रख सकते हैं इवन, और इवन के उसके अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। आपने भी वेदर एपीआई जो कॉल किया उसमें ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। आप कहते हैं डॉट करंट डॉट करके फिर आप वेदर ले रहे होते हैं, या डॉट करंट डॉट सिटी डॉट वेदर, इस तरह करके डेटा आ रहा होता है। तो ये तो चीज़ें आपने रियलिटी में देख ली हैं कि किस तरह होती हैं, तो मेरा ख्याल है इसको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें किसी का अगर कोई सवाल है अभी तक जो चीज़ हमने पढ़ी है उसमें, तो वो पूछ ले प्लीज़, फिर हम आगे चलते हैं। किसी का भी कोई सवाल नहीं है? रेस्ट एपीआई जो है वो देखो, इंशाल्लाह एपीआई का जो टॉपिक है वो तो हम जब सर्वर पढ़ेंगे ना तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट आंसर दे देता हूँ तुमने जो सवाल किया। जब एक मशीन दूसरी मशीन से बात करती है ना, तो उसको एपीआई कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं इस कंप्यूटर से जब बात कर रहा हूँ तो ये एक मशीन दूसरी मशीन से बात नहीं कर रही, एक ह्यूमन एक मशीन से बात कर रहा है। तो मेरे लिए इस मशीन में क्या मौजूद है? यूआई मौजूद है, यूज़र इंटरफेस, जो कि एक माउस कीबोर्ड है इसका, जिसके ज़रिए मैं इस मशीन से बात करता हूँ। लेकिन जब एक मशीन दूसरी मशीन से बात करती है ना, तो उसके लिए यूआई नहीं होता, उसके लिए क्या होती है? एपीआई, एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो अगर एक ऐसी है सामने, मैं इसको हाथ से जाके जब क्लिक करता हूँ तो इसके यूआई पे क्लिक करता हूँ, लेकिन एक कंप्यूटर जब इससे बात करेगा ना, तो इस एसी की कोई ना कोई एपीआई एक्सपोज होनी चाहिए जिसको कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए इससे बात करेगा। अगर एपीआई एक्सपोज नहीं है तो एक कंप्यूटर इस एसी से बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो तुम जिस सर्वर से बात कर रहे हो, जो वेदर की एपीआई तुम कॉल कर रहे हो, वो एक सर्वर है, वो एक मशीन है। तो जब तुम्हारी वेब एप्लीकेशन, तुम्हारा कंप्यूटर, तुम्हारा लैपटॉप, जाहिर है वेब एप्लीकेशन कंप्यूटर में होता है, जब बात करती है उस क्लाउड पे मौजूद सर्वर से, तो वो सर्वर की एपीआई एक्सपोज हुई भी है, जो तुम एचटीटीपी एपीआई कॉल करते हो, तो उस एपीआई पे जब हिट होता है और वहाँ से जब रिस्पॉन्स आता है वापस, ठीक है, तो उस अब वो मुख्तलिफ तरह की एपीआईज हैं, उन्हीं में से एक है रेस्ट एपीआई।
ठीक है। अब REST API की कुछ क्वालिटीज़ हैं कि यार ये क्वालिटीज़ अगर किसी REST API में हो, हम किसी भी API में हो, तो उसको हम RESTful API बोलते हैं। अब ये इंशाल्लाह RESTful API में क्या क्वालिटी होती है, कौन सी API, हम खुद REST API बनाना सीखेंगे, वो जब सर्वर पढ़ेंगे उस वक्त इंशाल्लाह डिटेल में सीखेंगे। अच्छा, और किसी का कोई सवाल, ये समझ आ गई बात तो? और किसी का कोई सवाल? अच्छा, हमने ये भी देख लिया था कि ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में जगह किस तरह लेता है, ठीक है, इसके अंदर के डेटा टाइप से डिफाइन होता है। मिसाल के तौर पर बूलियन अगर एक बाइट लेता है, ठीक है, नंबर अगर 64 बिट लेता है, ठीक है, फिर स्ट्रिंग है वो कितना, तो ये टोटल ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है मेमोरी में, वो असल में इसका अपना कोई साइज़ नहीं होता, इसके अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है उसके साइज़ के हिसाब से ये मेमोरी में जगह ले लेता है, ठीक है। हमने ये भी देख लिया था कि ऑब्जेक्ट नेटिव डेटा टाइप नहीं है, ये एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, ये क्या है, कंस्ट्रक्ट है। जैसा कि नंबर, स्ट्रिंग और बूलियन, ये डेटा टाइप नेटिव है, या प्रिमिटिव भी बोला जाता है इसको, नेटिव है, ठीक है। हमने शुरू में एरे जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि जो डेटा टाइप नेटिव होते हैं उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी सी अलग होती है, और जो नेटिव नहीं होते हैं, नॉन नेटिव होते हैं, या उसको कंस्ट्रक्ट भी बोल सकते हैं, उसकी थोड़ा ट्रीटमेंट अलग होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर वो ट्रीटमेंट हमने क्या देखी थी कि जब हम दो वेरिएबल बनाते हैं और एक ऑब्जेक्ट को उठा के दूसरे वेरिएबल में डालते हैं, तो वो नया उसकी कॉपी नहीं बनती मेमोरी के अंदर, एक को चेंज करते हैं दूसरा चेंज हो रहा होता है, याद है ये वाला, हमने एरे पढ़ते हुए ये चीज़ पढ़ी थी। फिर हमने ये देखा था कि अगर उसको क्लोन करना हो तो एरे को क्लोन कैसे करते हैं, सब लोगों को याद है एरे क्लोनिंग हमने भी पढ़ी थी जब। अच्छा, तो वो चीज़ अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या इसकी भी ट्रीटमेंट उसी तरह है। अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्रिप्ट का मैंने एक टैग बनाया और मैंने कहा लेट ए इक्वल्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या कहा, नेम अली, और अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक अदद वेरिएबल बी, ठीक है। अब बी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया, तो ये जो मेरा वेरिएबल था, ये जो मेरा ऑब्जेक्ट था, ये उठ के अब कहाँ चला गया, ये बी में चला गया। अब मैं अगर कॉन्सोल करवाता हूँ ए डॉट नेम, तो मुझे उसमें अली मिलेगा, ठीक है, और अगर मैं कॉन्सोल करवाता हूँ बी डॉट नेम, तो बी डॉट नेम में भी मुझे अली, क्योंकि बी में तो वही उठा के डाल दिया ना मैंने, दोनों में मुझे अली मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इतने को चलाते हैं हम ज़रा, ठीक है, दोनों में मुझे अली मिल रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ए में नेम को चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा ए डॉट नेम इक्वल टू वैली, या कोई अच्छा नाम रख देते हैं, अरसलान, ठीक है, ए डॉट नेम अरसलान। अच्छा, तो इसी ए को उठा के मैंने बी में डाला है, अच्छा इस ए को मैंने कर दिया चेंज, तो क्या बी में ये चेंज आ जाना चाहिए, असूलन आना तो नहीं चाहिए लेकिन आ जाएगा, ठीक है, असूलन आना तो नहीं चाहिए लेकिन आ जाएगा, सही है। ए डॉट नेम और बी डॉट नेम दोनों को मैं कंसोल करवाता हूँ, ठीक है, तो ए में भी नाम चेंज हो चुका होगा, बी में भी चेंज हो चुका होगा, चलते हैं जी रिफ्रेश करके देखते हैं, ठीक है, शुरू में दोनों में अली था, दोनों में अरसलान हो गया। अच्छा, अब इस पॉइंट पे अगर मैं बी डॉट नेम को चेंज करूँ, मैंने कहा बी डॉट नेम इक्वल टू रेहान, तो बी में चेंज करने से क्या होगा, बी में तो चेंज होगा लेकिन ए में भी चेंज आ जाएगा, ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है ऐसा, ठीक है, और उसके बाद मैं इन दोनों को कंसोल करवाता हूँ, तो दोनों में ये चेंज आ चुका होगा, ठीक है, पहले अली था दोनों में, फिर अरसलान हुआ, फिर रेहान हुआ, तो अब पता ये चला कि जब मैं एक ऑब्जेक्ट को उठा के किसी भी वेरिएबल में डालता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट असल में मेमोरी में तो एक ही है, सही है, मेमोरी में वो दो नहीं हुआ, वो एक ही रहा, ठीक है, वो दूसरे वेरिएबल में भी चला गया लेकिन मेमोरी में उसने डबल नहीं हुआ। ऑन अदर हैंड जो नेटिव वेरिएबल होते हैं, जो जो
बिल्ट इन वेरिएबल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, या प्रीमिटिव भी उसको बोला जाता है, प्रीमिटिव, उसकी ट्रीटमेंट अलग होती है, ठीक है। यही काम अगर मैं नंबर के साथ करूँगा ना तो ऐसा देखने में नहीं आएगा। ये काम मैं नंबर के साथ कर देता हूँ, ज़रा मैंने कहा लेट नम वन इक्वल्स टू फाइव, ठीक है, और मैंने कहा कि नम टू इक्वल्स टू नम वन। मैंने एक वेरिएबल बनाया नम वन और उसको उठा के नम टू में डाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नम वन को चेंज कर देता हूँ, 23 कर देता हूँ इसको। तो नम वन में चेंज करने से नम टू में चेंज नहीं आएगा। मैंने नम वन बनाया, उसको उठा के मैंने नम टू में डाल दिया, ठीक है। एक ही वेरिएबल बनाया, उसको एक दूसरे वेरिएबल में बना के उठा के डाल दिया, फिर मैंने उसमें से एक को चेंज किया और फिर दोनों को कंसोल करवाया, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अलग अलग है दोनों, ऐसा नहीं हुआ कि एक को चेंज किया दोनों चेंज हो गए, ठीक है। पहला वाला 23 आ रहा है, दूसरा वाला 5 आ रहा है, ठीक है। दूसरा वाला 5 इस वजह से आ रहा है कि नम टू में जब ये वैल्यू उठकर नम टू में गई थी, सही है, जब ये वाले वेरिएबल को मैंने यहाँ पे उठा के मैंने कहा नम टू में चले जाओ, तो ये वेरिएबल मेमोरी में भी क्या हो गया, दूसरा नया इसने जगह लेके और उसमें जाके नम टू को सेव किया, अलग अलग रखा इसको मेमोरी में, एक नहीं रखा। और यही वजह है कि मैं नम वन को चेंज करता हूँ तो वो नम टू पे कोई इफेक्ट नहीं आता, नम टू को करता हूँ तो नम वन पे नहीं आता। अच्छा, जितने भी नेटिव वेरिएबल्स हैं जावास्क्रिप्ट के, जैसे नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग और कौन सा है, और है कोई, हाँ ये तीन ही है, ठीक है, और अनडिफाइंड वगैरह ये भी नेटिव होते हैं सारे, ठीक है। नल, अनडिफाइंड, ये भी नेटिव है क्योंकि अनडिफाइंड भी एक डेटा टाइप है असल में। तो एरे और ऑब्जेक्ट जो है, अभी तक हमने ये दो डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, एरे और ऑब्जेक्ट, जो कि क्या है, नॉन नेटिव है या कंस्ट्रक्ट है, कंस्ट्रक्टेड है, ठीक है, अलग से उसकी कंस्ट्रक्शन की गई है। खैर, तो नंबर में इस तरह की ये चीज़ देखने में नहीं मिलेगी क्योंकि नंबर क्या है, नेटिव है। अच्छा, अब अगर इस चीज़ से मुझे बचना है, ठीक है, अच्छा, कई जगहों पर ये चीज़ हमें ज़रूरत होती है इस बिहेवियर की, कई जगहों पर इस बिहेवियर की हमें ज़रूरत होती है, लेकिन जस्ट इन केस अगर मैं बचना चाहता हूँ कि यार नहीं यार ये वाला काम मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे b इक्वल टू a नहीं करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, a को क्लोन करना पड़ेगा। अब वो क्लोन कैसे होता है, हमने 5-6 तरीके देखे थे एरे के वक्त में कि उसको क्लोन करने के, तो आप जाके पहले तो हम ये देख लेते हैं, एक मुझे नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। याद है एरे के वक्त में मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अगर होती है तो मेमोरी में एक नई लोकेशन एलोकेट हो जाती है एरे के केस में। तो इस केस में भी अगर ये कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज होती है तो इस बी के लिए मेमोरी में नई लोकेशन एलोकेट हो जाएगी। अच्छा, तो ये तो बन गया एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ये तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट, अच्छा एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, हमने अभी तक बना के नहीं देखा, लेकिन एम्प्टी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, ठीक है। इस पर किसी कुछ डॉट लगा के कुछ भी लिखेंगे अनडिफाइंड मिलेगा, ठीक है, ये भी वैलिड है। जैसे नंबर के वेरिएबल में शुरू में 0 रख सकते हैं आप, तो इस तरह एम्प्टी ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं आप। अच्छा, तो इसके बीच में मुझे क्या चाहिए, मुझे इसी ए का सारा मटेरियल चाहिए, ए के अंदर जो कुछ भी मौजूद है, तो मैं कहूँगा डॉट 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 ए, ठीक है। ये तीन डॉट जो है स्प्रेड ऑपरेटर कहलाते हैं, ये क्या करेगा, अच्छा ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पर लगाया जा सकता है स्प्रेड ऑपरेटर, और ये क्या करेगा कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना भी आइटम है उसको खोल के बीच में लाके रख देगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अलावा ये एरे में भी लग जाता है, स्प्रेड ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जिस वेरिएबल के साथ आप लगाते हैं वो वेरिएबल एरे या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके आइटम को खोल के ही बीच में लाके रख देता है। तो इस तरह क्या हो गया, ये क्लोन हो गया। अब जब इसको मैं चेंज करूँगा ना तो ये अलग अलग चेंज हो रहा होगा, ठीक है, बस हो गया, नीचे का तो सारा कोड वही है। अब आप देखेंगे कि ए डॉट नेम जब मैं करूँगा तो मुझे अली मिलेगा, ठीक है, और बी डॉट नेम जब मैं करूँगा तो अभी तो इस केस में अली मिलेगा क्योंकि अभी तक मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन जिस पॉइंट पे मैंने कहा चेंज कर दिया, ए डॉट नेम को मैंने अरसलान कर दिया, तो यहाँ पे ए डॉट नेम चेंज होगा, बी में वही होगा पुराना डेटा, ठीक है। तो देखते हैं जाके, ठीक है, देखें पहले में तो अली अली था दोनों में, फिर अरसलान अली हो गया, फिर अरसलान रेहान हो गया, जिस तरह होना चाहिए था प्रॉपर उसी तरह होगा। तो ये मुझे क्लोन करना पड़ेगा इसको। अच्छा, क्लोन करने के और कौन कौन से तरीके हैं, क्लोन
ऑब्जेक्ट, इसके भी हैं 3-4 तरीके हैं तकरीबन। अच्छा, ये वो सारे तरीके हैं जिससे आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं। हमने डॉट वाला ये तरीका देखा, स्प्रेड ऑपरेटर, उसके अलावा स्प्लाइस से, स्लाइस से, कॉनकैट से, ठीक है, अगर जेक्वेरी में आप तो एक्सटेंड करके, एक चीज़ है जेक्वेरी तो वैसे पुरानी हो गई है, अब हम उसको नहीं पढ़ते, ठीक है, जेसन डॉट पार्स करके भी आप कर सकते हैं, डॉट क्लोन करके भी आप, अगर लो डैश इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉट क्लोन करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके इसके मौजूद हैं इसको क्लोन करने के, लेकिन सबसे आसान मेरा ख्याल है यही है जो 3 डॉट वाला जो है। अच्छा जी, ये सबको समझ आई, ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग, एरे की क्लोनिंग हमने पढ़ी थी, ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग पढ़ दी हमने। इसमें मैं हेडिंग में डाल देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्लोनिंग, सही हो गया। अच्छा, ये इसका क्लोनिंग वाला कोड है और ये पुराना वाला कोड है, इसको भी मैंने रख दिया है यहाँ पे जस्ट इन केस। अच्छा, जिस तरह से एरे में कुछ मेथड हुआ करते थे, एरे के मेथड मुझे कोई बता सकता है कौन कौन से आपको याद है? डॉट पुश, डॉट पॉप, डॉट शिफ्ट, अनशिफ्ट, उसके अलावा कॉनकैट था एक, हाँ स्लाइस भी हो जाता है वो, डॉट मैप भी है, बिल्कुल। हम मैप पढ़ चुके हैं ना यहाँ इस क्लास में, मैप को अभी हम और एक दफ़ा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसी तरीके से जैसे एरे में मेथड्स होते हैं, इसी तरह ऑब्जेक्ट में भी बहुत सारे मेथड होते हैं। क्या एरे के हमने सारे मेथड डिस्कवर कर लिए? उसका जवाब है नहीं। हमने जो बुक में डिस्कस हुआ है मोस्ट कॉमन मेथड्स, वो सारे हमने ये क्लास में डिस्कस किए, और उसके अलावा मैंने आपको MDN का एक डॉक्यूमेंट दिखा दिया कि यार जितने भी पॉसिबल मेथड हैं वो यार डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन हम ऑब्जेक्ट के भी जो मोस्ट कॉमन मेथड्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और बाकी का मैं आपको MDN का डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा कि जितने भी पॉसिबल मेथड हैं वो सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं उसको। अच्छा, तो हम चलते हैं जी, कहाँ पे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है बुक में? अच्छा, बुक में जो ऑब्जेक्ट है ना वो चैप्टर नंबर 69 से स्टार्ट है। ये क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है। हेलो 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 हेलो, ये रहा ऑब्जेक्ट के मेथड्स जो हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मेथड वाला टॉपिक ना अभी हम नहीं करते हैं, अभी हम, मेरा ख्याल है ऑब्जेक्ट को यहीं तक रखते हैं अभी हम फिलहाल। अच्छा, हम ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस के लिए ना ये डेट वगैरह ये चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो अभी तक हमने अभी तक क्लास में डिस्कस नहीं किया, वैसे तो आप लोगों ने खुद से पढ़ा होगा। तो अब ज़रा ये बुक के सीक्वेंस में हम देख लेते हैं, कुछ हमने मिस तो नहीं किया इसमें से, ये भी ज़रा देखने की चीज़ है। नेस्टेड लूप तक तो हमने सीधा सीधा पढ़ा था। अच्छा, चेंजिंग केस जो है ना, ये कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की बात हो रही है। तो ये किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर ये एक मेथड होता है, स्ट्रिंग के भी जैसे हमने काफ़ी सारे मेथड्स पढ़े, तो ये उसमें से एक है कि डॉट हम कैसे करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम और डॉट टू लोअर केस लगाते हैं ना उस पर, तो वो मुझे इतनी चीज़ मुझे क्या रिटर्न करेगा, जो भी इस वेरिएबल में डेटा था ना उसका लोअर केस वर्जन बना के मुझे रिटर्न करेगा। रिटर्न करने का मतलब हमने क्या देखा था कि ये जितना एरिया सेलेक्ट हुआ है मेरे माउस से, ये सेलेक्ट हुआ है जो,
इतना हिस्सा खुद गायब हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, जो सिटी टू चेक कराची या जो भी सिटी का नाम है उसका लोअर केस वाला वर्जन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अपर केस भी मौजूद है, लोअर केस अपर केस दोनों मौजूद है हमारे पास, ठीक है। इसको हम जल्दी से चला के भी देख लेते हैं और इसको गूगल क्रोम पे ही चला के देख लेते हैं। मैंने कहा लेट सिटी नेम इक्वल्स टू कराची, ठीक है। सिटी नेम एक वेरिएबल था, अब मैं कहूँगा सिटी नेम डॉट टू लोअर केस और इसको मैं कॉल करूँगा क्योंकि ये मेथड है। जैसे ही कॉल करूँगा, ये देख रहे हो ये चीज़ निशान किस चीज़ का है, रिटर्न वैल्यू का निशान है कि इतना चीज़ जब मैंने लिखी तो उसने मुझे क्या रिटर्न किया, कराची रिटर्न किया, जो कि पहले क्या था, इसका के कैपिटल था, लेकिन अब इसको कम्प्लीटली इसने लोअर केस बना के मुझे रिटर्न किया, ठीक है। अच्छा, ये ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज नहीं करता, अगर मैं अभी भी सिटी नेम लिखूंगा तो मुझे ओरिजिनल वेरिएबल वही मिलेगा, ओरिजिनल वेरिएबल को ये चेंज नहीं करता है। यार ये क्या हो रहा है, ये तुम्हें नई वैल्यू रिटर्न करेगा। मिसाल के तौर पे अगर तुम्हें ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज करना है तो ये क्या करना होगा, सिटी नेम इक्वल्स टू सिटी नेम डॉट टू लोअर केस, ठीक है। मतलब जो यहाँ से रिटर्न हो रहा है ना उसको वापस ओरिजिनल वेरिएबल में रखवाना पड़ेगा, समझ रहे हो ये बात। ये हम पहले भी देख चुके हैं कि कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल वेरिएबल को चेंज नहीं करते, बस आपको एक नई वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। लोकल लोअर केस जो है ना भाई, वो तुम डिस्कवर करके मुझे बताना कि क्या है, मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैंने वो कभी यूज़ नहीं किया। एक तो लोकल करके टाइम में होता है, उसका मतलब होता है मुकामी टाइम में कन्वर्ट करके भी। लोकल लोअर केस यार पता है तुम्हें क्या होता है हमारा, मुझे भी नहीं, मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। चलो करके देख लेते हैं, सिटी नेम डॉट टू लोकल लोअर केस, रिजल्ट में तो कोई फ़र्क नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबली कुछ ना कुछ चेंज होगा इसमें, जब ही नाम फर्क है, ठीक है। रिजल्ट तो इसका भी सेम ही है। अच्छा, इसी तरह अपर केस भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे लोअर केस कर सकता हूँ। मैंने कहा सिटी नेम डॉट टू अपर केस और इसको मैं कॉल करूँगा तो मुझे इसने पूरा अपर केस बना के रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो ये लोअर केस अपर केस के मेथड्स मौजूद हैं, ये किस पे लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के ऊपर ये लग सकते हैं। और देखते हैं ये बुक में आगे क्या है, मेजरिंग स्ट्रिंग लेंथ। अच्छा, ये आप सब लोगों को पता है कि जैसे एरे के ऊपर डॉट लेंथ लगाते हैं तो मुझे क्या मिल जाता है, उस एरे की करंट लेंथ जो है वो मिल जाती है। इसी तरह किसी स्ट्रिंग पे डॉट लेंथ अगर मैं लगाता हूँ तो मुझे उस स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर हैं उसकी लेंथ मिल जाती है। जैसे अगर कराची है तो के ए आर ए सी एच आई 7, सही है। कराची पे मैं डॉट लेंथ अगर लगाता हूँ तो मुझे 7 मिलना चाहिए। आगे लगा के देख लेते हैं, सिटी नेम में कराची मौजूद है, मैंने कहा डॉट लेंथ एंटर तो ये मुझे 7 मिल गया, ठीक है। ये हम लेंथ पहले यूज़ कर चुके हैं एरे में तो मेरे ख्याल इसको इतना चला के देखना काफ़ी है। अच्छा, अब ये जो लेंथ है ये तो मुझे पता है ना, सिटी नेम में मैंने लिखा है कराची तो मुझे तो पता है कि कराची लिखा हुआ है, उसकी लेंथ मुझे वैसे भी पता है, तो ये लेंथ को हम यूज़ कब करेंगे। हैं, मतलब ऐसा कौन सा, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी कि मुझे पता नहीं होगा कि लेंथ किया जहाँ, बोलो। अगर यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ मैं तो मुझे थोड़ी लेंथ पता होगी, यूज़र कौन सा सिटी लिख दे वो तो यूज़र पर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यही सिटी नेम जो मैंने लिखा है अभी, अगर ये यूज़र से जब इनपुट लूँगा मैं तो मुझे उस केस में लेंथ की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसमें क्या है, वैलिडेशन में आमतौर पर हम लेंथ लगा रहे होते हैं, ठीक है, कि मिनिमम लेंथ इससे कम नहीं होनी चाहिए। मैं मिसाल के तौर पर आपने CNIC नंबर इनपुट लिया यूज़र से, ठीक है, वैसे तो आपने फॉर्म पे लगा दिया कि भाई मिनिमम आपको 14 कैरेक्टर का या जो भी होता है 13 कैरेक्टर का, लेकिन मिसाल के तौर पर फ्रंट एंड से तो जाके बंदा उसको चेंज कर देता है, ठीक है। तो हम जब सर्वर पे डेटा जाता है तो वहाँ पे भी एक दफ़ा वैलिडेट करता है, तो वहाँ पे ज़ाहिर है फ्रंट एंड से पूरा ऑब्जेक्ट एक आ रहा होगा, तो उस ऑब्जेक्ट में से डॉट CNIC उठा के मैं उसको वैलिडेट करता हूँ सर्वर पे डेटाबेस में रखने से पहले कि आया कि इसकी लेंथ उतनी है, ठीक है। अच्छा, फिर मैक्सिमम भी चेक करता हूँ कि भाई अगर किसी बंदे ने नेम के खाने में 2000 कैरेक्टर का कोई नाम लिख दिया है तो दैट इज़ नॉट अलाउड,
ठीक है, तो मुझे उस पर भी मैक्सिमम पे भी वैलिडेशन लगानी पड़ती है, क्योंकि इस तरह कोई आपके सिस्टम से अब्यूज़ भी कर जाता है। जो सॉफ्टवेयर टेस्ट करने वाले लोग होते हैं वो सबसे पहले इसी यही करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर खोलते हैं ना उसमें पूरा विकिपीडिया का पेज कॉपी करके पेस्ट मारते हैं, एंटर करते हैं, कोड क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिनिमम दोनों पे हमें कहीं ना कहीं लिमिट लगानी पड़ती है, कहीं ना कहीं वैलिडेट करना पड़ता है। तो लेंथ वगैरह आमतौर पर उसमें बहुत ज़रूरी रहती है, और भी इसके यूजेज हैं। अच्छा, ये स्लाइस का मेथड भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर स्लाइस का मेथड हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, स्लाइस जो है वैसे तो इसमें थोड़ा इन्होंने काफ़ी लंबा करके बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको अलग से जो है ना स्ट्रिंग स्लाइस लिखूंगा तो ये इसका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। इन्होंने बहुत सिंपल अल्फाज में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द स्लाइस मेथड एक्सट्रैक्ट अ सेक्शन ऑफ स्ट्रिंग एंड रिटर्न इट एज अ न्यू स्ट्रिंग विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग। स्लाइस से आप क्या कर सकते हैं, एक स्ट्रिंग जो है, अच्छा स्ट्रिंग एक नाम भी हो सकता है, पूरा मजमून भी हो सकता है, मतलब टेक्स्ट एरिया जो एक तो टेक्स्ट बॉक्स होता है ना सिंगल, एक टेक्स्ट एरिया होता है पूरे मजमून लिखने वाला, तो वहाँ से भी जब आपको इनपुट मिलेगा तो वो भी स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग एक लाइन भी हो सकती है, पूरा मजमून भी हो सकता है। तो उसमें से क्या कर सकते हैं आप, कोई उसका पार्ट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल स्ट्रिंग। ओरिजिनल स्ट्रिंग को मॉडिफाई किए बगैर आप उसमें से कुछ पार्ट को कॉपी करके अलग कर सकते हैं, किसी दूसरे वेरिएबल में डाल सकते हैं उसको आप। ठीक है, तो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है, इसके लिए मुझे चाहिए होता है स्ट्रिंग वेरिएबल, उसके ऊपर मैं लगाता हूँ डॉट स्लाइस, और डॉट स्लाइस लगाने के बाद उसमें कुछ नंबर्स देता हूँ साथ में। अब वो नंबर्स क्या है वो इन्होंने नीचे बताया है, हाँ ये सिंटैक्स ये बताया है। ठीक है, डॉट स्लाइस जब आप लिखते हैं तो उसमें नंबर देना होता है, और नंबर में आप क्या लिखते हैं, दो आप पैरामीटर्स इसमें दे सकते हैं, दैट इज़ एक्चुअली अ फंक्शन, राइट, मेथड एक फंक्शन ही होता है बिहाइंड द सीन। तो इसको आप दो पैरामीटर्स दे सकते हैं, अगर आप एक पैरामीटर देंगे तो उसको ये कंसिडर करता है इंडेक्स स्टार्ट, कि जहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करना है। ठीक है, और अगर आप दो उसको पैरामीटर देंगे तो एक को लेता है स्टार्ट, एक को लेता है एंड। ठीक है, अच्छा स्टार्ट अगर सिर्फ ले रहा है तो एंड का क्या मतलब, एंड पूरा फिर आखिर तक करेगा। ठीक है, एंड उसको जब नहीं मिलेगा तो वो पूरा आखिर तक एंड करेगा। ठीक है, और अगर स्टार्ट और एंड दोनों मिलेगा तो बहुत सिंपल सी बात है, एक 200 कैरेक्टर का स्ट्रिंग था आपके पास, आपने बोला 25 से शुरू करो और 75 तक लेके जाओ, तो वो 25 से 75 के दरमियान का जितने भी कैरेक्टर है ना उन सबको अलग करेगा और एक दूसरे वेरिएबल में आप उसको स्टोर कर सकते हैं। आपको तो ये जस्ट एक नया स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, उसके साथ आप क्या करते हैं वो आपका मसला है, उसको कॉन्सोल करा लें आप, उसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लें, कुछ भी आप कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये हमने स्लाइस का जो मेथड था वो थोड़ा अच्छे से देख लिया, इसको थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे सिटी नेम के नाम से मेरे पास एक वेरिएबल है और इसके अंदर कराची मौजूद है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आई लिव इन कराची, सही है, ये कर दिया मैंने। अब इसमें क्या मौजूद है, सिटी नेम में आई लिव इन कराची। अब मुझे इसमें से लिव को कॉपी करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, मैं कहूँगा सिटी नेम डॉट स्लाइस, और स्टार्ट एंड में क्या डालूँ, गिनो इंडेक्स गिनो, 0, 1, 2 डालूँ या 1 डालूँ, कितने लोग कह रहे हैं 2 डालूँ, इंडेक्स स्टार्ट, देखो यहाँ पे गौर करो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट एंड, अच्छा नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है ना, वो भी देख लेते हैं। द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर टू इंक्लूड, ठीक है, जो फर्स्ट कैरेक्टर जो आपने इंक्लूड करना है उसका इंडेक्स आपको डालना है। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 डालेंगे, और एंड इंडेक्स में क्या है कि द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर टू एक्सक्लूड, जो फर्स्ट कैरेक्टर जो आपने एक्सक्लूड करना है, यानी इसका मतलब है जो इंडेक्स डालेंगे उसको शामिल नहीं करेगा ये एंड वाले में। अच्छा, तो हम आ जाते हैं जी, तो पहले में मैंने डाला 0, 1 और 2,
क्योंकि स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, तो मैं पहले में डालूंगा टू कॉमा, अब लास्ट कैरेक्टर मुझे लिव चाहिए पूरा एल आई वी, और स्पेस के साथ नहीं, स्पेस नहीं होना चाहिए, सही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सिक्स डालना होगा हमें, क्योंकि हमें ई तक चाहिए। सेकंड पैरामीटर में इसने क्या बोला है कि द फर्स्ट कैरेक्टर यू वांटेड टू एक्सक्लूड, जो आप नहीं शामिल करना चाहते, तो 6 होगा, ये 6 है ना, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, सही है, आ गया, सही है, लिव मिल गया। अच्छा अब यही चीज़ मुझे, अच्छा आप नोट करो, इसने ना मुझे सिर्फ रिटर्न किया है, ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया, ओरिजिनल स्ट्रिंग अभी भी हुई है। अब मुझे अगर इसको स्टोर करवाना था किसी वेरिएबल में, तो मैं क्या करता, मैं कहता लेट न्यू वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू, और ये इतनी बात लिख देता, तो उस नए वेरिएबल में वो चला जाता, कॉपी कर रहा है एक्चुअली ये, ठीक है। कॉपी करने से क्या होता है, ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं आता। अच्छा अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें से कराची को अलग करूँ, अब बताओ क्या लगाऊँ, सिटी नेम डॉट स्लाइस, पहला इंडेक्स क्या डालूँगा गिनो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के पे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है मेरा, तो दोबारा गिनते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के पे मेरा 10 आ रहा है, तो जो भी के पे आ रहा है वही डालूंगा ना मैं, स्पेस पे 10 आ रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 आ रहा है मेरा। अच्छा और 10 के बाद 11, 12, 13 हाँ, इसके बाद कुछ है नहीं तो मुझे डालने की ज़रूरत ही नहीं है, एक से ही चल जाएगा, कराची आ गया पूरा, लेकिन चाहूँ तो मैं डाल भी सकता था, सही है, चाहूँ तो मैं डाल भी सकता था जो लास्ट वाला जो भी आ रहा है। तो ये हमने जनाब स्लाइस को सीख लिया, मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा तो कुछ अब है नहीं स्लाइस में सीखने वाला, है कुछ, ये इन्होंने बता दिया बहुत सिंपल तरीके से, और गिनना पड़ेगा। देखो असल में ये इंडेक्स भी आप गिन के नहीं निकालोगे, सही है, इंडेक्स भी आप गिन के नहीं निकालोगे, इसमें फाइंड का मेथड होता है कि भाई 2000 कैरेक्टर का एक मजमून है पूरा, उसमें कहाँ कहाँ पर कराची आ रहा है, तो वो फाइंड का आपने मेथड पढ़ा है, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ करके भी एक होता है ना, हाँ ये तो सर हम आपने हमको पढ़ाया हुआ है सारा, ठीक है, ये देख रहे हो, ये पूरा मजमून लिखा हुआ है, इसके अंदर डॉग को सर्च कर रहा है, तो क्या बोला है इसने, पैराग्राफ डॉट इंडेक्स ऑफ डॉग, अगर इंडेक्स एग्जिस्ट, डॉग एग्जिस्ट करता होगा ना तो डॉग का इंडेक्स ला के दे देगा कि भाई डॉग इस इंडेक्स पे खड़ा हुआ है, सही है, मेरे ख्याल है यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल लास्ट में यहाँ पे है किसी जगह पर, ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो माइनस वन ला के दे देगा, माइनस वन से कुछ याद आ रहा है, माइनस वन पढ़ा है ना कि कुछ नहीं मिलेगा तो माइनस वन आ जाएगा, वो यही पढ़ रहे थे कुछ लोग जो नहीं आए याददाश्त कमज़ोर है जिनकी, उनको माइनस वन से याद आ जाना चाहिए। खैर तो अब हम ज़रा आगे देख लेते हैं, ठीक है, ये स्ट्रिंग का फाइंडिंग सेगमेंट ये हम पढ़ चुके हैं, ये सारे चैप्टर मेरा ख्याल है उसी दिन पढ़े हैं, है ना, अच्छा एरे वाला हमने कवर कर लिया, स्ट्रिंग वाला नहीं किया, तो चलो स्ट्रिंग वाले को गो थ्रू कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा तो ये हमने इंडेक्स ऑफ देख लिया, अभी इंडेक्स ऑफ में क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट पे, मिसाल के तौर पे चलो हम इसी टेक्स्ट पे करते हैं, इंडेक्स ऑफ को चला के देख लेते हैं, ठीक है, सिटी नेम में क्या लिखा हुआ है, आई लिव इन कराची, अब मुझे कराची का इंडेक्स चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा सिटी नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और मैं बोलूँगा, अच्छा देखो अभी मैंने खाली दिया मैंने, तो माइनस वन दे रहा है मुझे, ठीक है, मैंने कहा के ए आर ए सी एच आई, अभी भी माइनस वन दे रहा है क्योंकि मेरे कराची का के कैपिटल है, सही है, जैसे ही मैं कैपिटल के डालूंगा, इसने मुझे क्या दे दिया, 10, हम जब काउंटिंग कर रहे थे तो के कहाँ पे आ रहा था, 10 पे आ रहा था ना, तो बस ये मुझे मिल गया इंडेक्स,
तो कोई भी बड़ा सारा स्ट्रिंग होगा उसमें कोई वर्ड आपको तलाश करना है तो आपको वो लिख के जी हाँ ये अच्छा सवाल है और तुम्हारा क्या सवाल है हाँ उसके लिए हम करते ये हैं कि पहले ना पूरे मजमून को स्मॉल लेटर बना देते हैं उसके बाद सर्च मारते हैं ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा लेट सही है लोअर केस ठीक है, सिटी नेम ही लिख दूँगा सिटी नेम और उसके बाद लोअर लगा दिया मैंने सही है। सिटी नेम लोअर इक्वल टू क्या लिखूँगा मैं सिटी नेम डॉट टू लोअर केस। अब मेरे पास क्या आ चुका है सिटी नेम लोअर के नाम से कॉपी आ चुकी है पूरे मजमून की जिसमें वो लोअर केस में मौजूद है। अब इसमें मैं लिखूँगा ना स्मॉल लेटर से तो मुझे मिल जाएगा ये ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई सिटी नेम और लोअर ठीक है डॉट इंडेक्स ऑफ और साथ में मैंने अब मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं स्मॉल लेटर में लिखूँ इसको ठीक है। 10 मिल गया मुझे ये, अब ये 10 मुझे मिल गया ना तो अब मैं ओरिजिनल पे इसको अप्लाई कर सकता हूँ सही है। ये 10 मुझे मिल गया, अब मैंने इसको यहाँ पे अभी तुम्हारे सवाल का देते हैं आंसर कि अगर एक से ज़्यादा हो तो क्या होगा। अब ये मुझे इसका इंडेक्स मिल गया तो मैंने कहा कि लेट इंडेक्स ऑफ कराची इक्वल्स टू ये तो ये वेरिएबल गायब हो गया। अच्छा अच्छा वो मैंने कोई रिफ्रेश वगैरह बटन प्रेस हो गया मुझसे जो वेरिएबल बनाया था वो गायब हो गया तो मुझे वो वेरिएबल दोबारा बनाना पड़ेगा। लेट सिटी नेम इक्वल्स टू आई लिव इन कराची राइट, ये हो गया। और अब मुझे क्या करना था, मैंने करना था लेट इसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना था तो मैंने कहा सिटी नेम लोअर इक्वल टू सिटी नेम डॉट लोअर केस। अब सिटी नेम लोअर में क्या आ चुका है वही पूरा है लेकिन स्मॉल लेटर में कॉपी बना लिया मैंने। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सिटी नेम लोअर डॉट इंडेक्स डॉट इंडेक्स ऑफ ठीक है और मैं लिखूंगा हाँ स्मॉल नहीं है ये कैपिटल है ठीक है। ये मुझे 10 मिल गया और अब इस 10 को लेकर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सिटी नेम डॉट स्लाइस और इसके अंदर ये 10 पास करूँगा मुझे कराची मिल गया लोगों को। अच्छा अब ज़रा ये जो हमारा इंडेक्स ऑफ है ना इस इंडेक्स ऑफ का हम क्या देख लेते हैं सिंटैक्स। इस इंडेक्स ऑफ में एक तो सर्च का जो सर्च स्ट्रिंग दिया मैंने कराची लिख के दिया कि भाई कराची ढूंढ के ले आओ ठीक है। तो पहली दफ़ा में मुझे उसने 10 ला के दिया 10, मैंने उसको कराची लिख के दिया उसने मुझे 10 ला के दे दिया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार इस 10 नंबर इंडेक्स जो है इस पर तो कराची मुझे मिल गया है, अब आया कि हो सकता है इसके बाद भी कराची हो इस पूरे मजमून में ठीक है। तो अब मुझे क्या देनी पड़ेगी अगली दफ़ा में पोजीशन, मैं वही कराची लिखूंगा और मैं कहूंगा पोजीशन 10 कि 10 तक को छोड़ दो उसके आगे से शुरू करो। ये नीचे इन्होंने एक्सप्लेन भी किया होगा यहाँ पे कि पोजीशन जो है वो क्या है द मैथड रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ द, अभी ये उसने लंबी की है लेकिन खैर इसकी बात यही है कि वो जो 10 उसने दे दिया ना पहली दफ़ा में, अब मुझे क्या करना है इसको 10 यहाँ पे लिख के देना है पोजीशन में तो फिर ये क्या करेगा उस 10 के आगे सर्च करेगा ठीक है, फिर लेकर आ जाएगा सर्च, फिर उसके आगे करेगा फिर लेकर आ जाएगा, लास्ट में -1 उसको मिलेगा जब, तो आप समझ जाओगे अब मज़ीद कराची इसमें मौजूद नहीं है। और ये काम क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है ना एक ही काम बार बार, तो ये काम किस में होना चाहिए लूप में होना चाहिए ठीक है। तो लूप इन चीज़ों के लिए बना है कि वो क्या करेगा उसको बार बार घुमाता रहेगा बार बार घुमाता रहेगा। हाँ नहीं वो अभी एडवांस। अच्छा तो आप कैसा लिखेंगे लूप,
आप एक लूप लिखेंगे जो इनफाइनाइट लूप होगा, और आप उसमें हर दफ़ा क्या करेंगे, आप देंगे इंडेक्स ऑफ कराची, जाओ ढूंढ के लाओ, ठीक है, और उसके बाद लगाएंगे इफ़, हर आइट्रेशन पे आप इफ़ लगाएंगे कि इफ़ जो वैल्यू इसने दी है अगर वो माइनस वन है तो ब्रेक, ख़त्म, अगर नहीं है माइनस वन कुछ मिल रहा है तो घुमाते रहो, और हर दफ़ा जो वैल्यू आती जाएगी उसको आप पुश करते जाएंगे एक एरे में बाद में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, लॉजिक बिल्डिंग हो रही है सही। ये सारे टूल्स हैं, ये सारे वो औजार हैं जो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास ये है, सही है, और जब ये सारे औजार आपको पता होंगे कि अच्छा ये मौजूद है मेरे पास, तो फिर जब आप एक्चुअल कोड लिखने बैठेंगे, एक्चुअल प्रोग्रामिंग करने बैठेंगे, तो ये सारी चीज़ें जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी ना, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन बताएगा कि यहाँ पे ना फला औजार यूज़ होगा जो आपने फला दिन पढ़ा था क्लास में। अच्छा, इसका सिंटैक्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपने देखा ये सिंटैक्स तो यहाँ लिखा हुआ है ना यार, जब इस्तेमाल करना होगा तो सिंटैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको वैसे तो याद हो तो अच्छा है, लेकिन अगर याद नहीं भी है जस्ट इन केस, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ से कहीं नहीं जा रहा, ये हमेशा कभी भी आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब भी करेंगे ना, वहाँ पर डॉक्यूमेंट खोलना मना नहीं होता, आप अगर आप कोई बुक लेके बैठे हैं बुक खोलना मना नहीं होता, ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद है, और ज़ाहिर है जब डेली बेसिस पे बंदा काम करता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जहन में आपके फिक्स होना शुरू हो जाती हैं, याद होना शुरू हो जाती हैं चीज़ें आपको। अच्छा, फाइंडिंग अ कैरेक्टर, ठीक है, अच्छा ये स्लाइस में आप एक कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, चार कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं, जितना चाहें आप निकाल सकते हैं, ये चैप्टर्स खुद से भी पढ़ लीजिएगा ज़रा, क्योंकि टेस्ट आपको पता है बुक से ही होता है, ठीक है, तो बुक की एक एक लाइन जिस बंदे ने पढ़ी भी होगी, टेस्ट देना उसके लिए आसान है, ठीक है जी। अच्छा, रिप्लेसिंग अ कैरेक्टर, किसी भी टेक्स्ट के अंदर जाके उसको किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना, इसके लिए हमारे पास क्या मौजूद है मेथड, रिप्लेस का, स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, स्ट्रिंग रिप्लेस, ठीक है, तो अब ज़रा ये रिप्लेस को देख लेते हैं कि रिप्लेस कैसे काम करता है। ये इन्होंने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स वाला, और फिर इसने ये बोला कि पैराग्राफ डॉट रिप्लेस डॉग कॉमा मंकी, ठीक है, पहला वाला क्या है जिसको सर्च करना है, और दूसरा वाला क्या है जो डॉग को हटा के लगाना है, सही है, आसान है, मुश्किल तो नहीं है, ठीक है भाई। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, सिंटैक्स इसका ये है, रिप्लेस के अंदर आप क्या लिखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है ना एक चीज़ होती है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, रेगुलर एक्सप्रेशन असल में एक क्राइटेरिया होता है कि यार इस क्राइटेरिया पे जो स्ट्रिंग फिट बैठ जाए ना उस सबको रिप्लेस मारो, ठीक है, वो अभी हम देख लेते हैं क्या होता है, खैर अभी इसको छोड़ दो फिलहाल, अभी हम रेगुलर एक्सप्रेशन को अलग से खोलते हैं, वो देखते हैं। अच्छा, तो अभी जिस तरीके से इसने ऊपर कॉल किया हुआ था और जिस तरीके से बुक में इन्होंने कॉल किया हुआ है, वो सब स्ट्रिंग दे के कॉल किया हुआ है। सब स्ट्रिंग क्या होता है, सब स्ट्रिंग ये होता है कि 10 लाइन का एक स्ट्रिंग है, जैसे अभी लिखा हुआ है आई लिव इन कराची, एक लाइन का एक स्ट्रिंग है, उसमें मैंने लिखा लिव, तो लिव क्या है, उस बड़े स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है, ठीक है, मतलब उस स्ट्रिंग का कोई भी पार्ट उठाओगे ना आप, तो उसको आप बोलोगे सब स्ट्रिंग। तो जैसे अभी यहाँ पे इसने बोला डॉग, पहले वाले पे लिखा डॉग लिखा इसने, और दूसरे वाले पे न्यू सब स्ट्रिंग के इस वाले को हटा के यहाँ पे क्या लिखना है वो लिखा, कि पहले वाले में लिखा डॉग कि डॉग ढूंढो जाके उस पर मंकी लगा दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जितने भी डॉग मिलेंगे सबको मंकी बना देगा वो। अच्छा, उसकी जगह सब स्ट्रिंग की जगह ना रिप्लेसर फंक्शन भी लगा सकते हैं, कोई फंक्शन भी लगा सकते हैं, और क्या होगा जब वो मिल जाएगा ना चीज़ तो वो फंक्शन कॉल होगा, तो मतलब कंडीशनली कोई अगर मुझे चीज़ करनी हो तो वो भी इसका एडवांस तरीका है, लेकिन इतने में ही काम बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है। अब पैरामीटर कौन कौन से क्या किया है, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या चीज़ है, रेगुलर एक्सप्रेशन का जो क्राइटेरिया होता है वो कैसे हम देखते हैं उसको देख लेते हैं ज़रा।
अच्छा तो इन्होंने क्या कहा, द रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर मैचिंग टेक्स्ट विद पैटर्न, कि कोई भी पैटर्न आप डिफाइन कर देते हैं कि इस पैटर्न पे कोई भी या क्राइटेरिया कह लें उसको आप कि इस पे फिट बैठ जाए तो मतलब ये सही है। ठीक है मैं अभी एक एक वेबसाइट है बड़ी अच्छी रेगुलर एक्सप्रेशन की, वो मैं अभी भूल गया हूँ यार, वो याद है वो ड्रैग ड्रैग ड्रॉप करके जो बनता है वो क्या नाम है उस वेबसाइट में, रेगुलर एक्सप्रेशन भूल गया मैं क्या बोल रहा हूँ उसका, ये वाला तो नहीं है, लर्न एंड बिल्ड इन टेक्स्ट, खैर तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन को अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, बस इसको ये समझ लो कि ये क्राइटेरिया होते हैं और इस क्राइटेरिया को बनाने का नहीं W3 स्कूल का एक हमने वो खोला हुआ है, तो इन्होंने थोड़ा सा इसके ऊपर क्या बनाया हुआ है, एक डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो इसका जो सिंटेक्स है वो क्या होता है, एक स्लैश होता है उसके बाद पैटर्न होता है उसके बाद स्लैश होता है फिर मॉडिफायर होता है। अच्छा मॉडिफायर एक भी हो सकता है एक से ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने देखो क्या बनाया हुआ है, स्लैश उसके बाद पैटर्न, पैटर्न में इसने W3 स्कूल एग्जैक्टली लिख दिया कि एग्जैक्टली W3 स्कूल होना चाहिए और उसके बाद स्लैश लगा के मॉडिफायर लगाया हुआ है एक आई, ठीक है ये मॉडिफायर है इसका। अब ज़रा हम नीचे देख लेते हैं कि कौन कौन से मॉडिफायर्स इसमें मौजूद हैं और कौन कौन से जो है ना पैरामीटर हैं। अच्छा मॉडिफायर आई का मतलब क्या है कि परफॉर्म केस सेंसिटिव मैच, केस यानी जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही मिले तभी उसको मैच करो, ठीक है। अगर हम ऊपर जाके देखें W3 स्कूल में तो इसमें सारे स्मॉल में लिखा हुआ है, तो अगर कैपिटल में W लिखा हुआ होगा उसको ये काउंट इस क्राइटेरिया पे मैच नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद एक जी, जी का मतलब है परफॉर्म ग्लोबल मैच, ग्लोबल मैच का मतलब है कि फाइंड ऑल मैचेस, ये नहीं कि जो पहला वाला मिले सिर्फ उसको करके साइड सबको मैच करो, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद है एम, एम का मतलब है परफॉर्म मल्टी लाइन मैचिंग, ठीक है जी। अच्छा ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में अगर मैंने लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है तो इसमें क्या होगा कि फाइंड एनी कैरेक्टर बिटवीन द ब्रैकेट्स, ठीक है कि ए मिले तो भी सही है उसको भी मैच कर लो, बी मिल जाए या सी मिल जाए, ठीक है। अच्छा कैप साइन के साथ अगर ये लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि नॉट बिटवीन दीज कैरेक्टर्स, कि ए बी सी ना हो बाकी कोई भी हो तो उसको मैच करें, ठीक है। 0 से 9 तक तो मतलब है, अच्छा 0 से 9 में इसमें डैश लगा हुआ है, ठीक है स्ट्रिंग में इन्होंने डैश नहीं लगाया हुआ था लेकिन 0 से 9 में डैश है, ये नोट करने वाले। तो 0 से 9 तक का मतलब है कि 0 से 9 तक कोई भी कैरेक्टर उसको मैच करो, ठीक है। कैप साइन के साथ का मतलब है नॉट बिटवीन 0 to 9, ठीक है मतलब नॉट बिटवीन 0 to 9 का मतलब है नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद एक और का साइन इसमें लगा हुआ है जो हमने इफ के टाइम पे भी पढ़ा था, फाइंड एनी ऑफ अल्टरनेटिव स्पेसिफाइड, कि या तो एक्स मिले या तो वाई मिले, दोनों में से कोई एक भी मिल जाए तो मैच कर दो, इस तरह करके। तो ये सारे इसके वो हैं एक्सप्रेशंस, अभी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे ना इसको सिखाते हैं, क्वांटिफायर्स भी हैं इसमें, इसमें एक जगह पे ना पासवर्ड वगैरह का वो भी बना हुआ है कि 10 कैरेक्टर से कम नहीं हो, और वो मेरा ख्याल है बना हुआ है वो पता नहीं किस में बना हुआ है। वेल तो इसकी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आप इसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये वाला नहीं है, किसकी वेबसाइट है बड़ी अच्छी, वहाँ पे ना ड्रैग ड्रॉप करके आप बना सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, 101 बिल्ड टेस्ट। अच्छा जैसे यहाँ पे मैंने लिखा स्लैश, स्लैश तो फिर लिखा हुआ है W3 SWL, अब ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे वैलिडेट करके देता है कि कोई भी मेरे पास प्रॉब्लम है कोई भी कुछ है, यहाँ पे मुझे ये एक्सप्लेन भी कर रहा होता है कि भाई ये जो आपने लिखा है ये लिखा क्या है। तो इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप क्या कर रहे होते हैं इसको जाके सीख सकते हैं, बना सकते हैं। और एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करके होता है वो मैं भूल गया हूँ, यू
उसमें साइड में सारे अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, वहाँ से आप ड्रैग करके ना लाते जाते हैं और वो आपका बनता चला जाता है। और नीचे नेचुरल लैंग्वेज में लिखा हुआ भी आ रहा होता है कि ये आपने अभी तक क्या बना लिया है, मतलब 6 कैरेक्टर से कम एक्सेप्ट ना करें या इस तरह जो भी उसका मतलब बन रहा होता है वो लिखा हुआ भी होता है। खैर, तो पॉइंट ये था कि आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे स्ट्रिंग को सर्च करने की बात है कि भाई एक स्ट्रिंग को ढूंढो और उसकी जगह नया रख दो, रिप्लेस कर दो, यहाँ पे आप सिर्फ स्ट्रिंग भी दे सकते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन देने का भी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है आपके पास। अच्छा, तो टेक्स्ट डॉट रिप्लेस हमने देख लिया, इसको चला के देखने की जरूरत है क्या? बहुत आसान है, एक स्ट्रिंग होगा उसमें ये जो भी लिखेंगे उसको रिप्लेस कर देगा। अच्छा, अगर वो नहीं मिलेगा तो -1 रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, नंबर के साथ है राउंडिंग नंबर। राउंडिंग नंबर का क्या मतलब है? जैसे हम बोलते हैं ना राउंड फिगर में कर लो, तो हाँ, तो जो आपका फ्लोट होता है उसको ये इंटीजर में कर देता है। मिसाल के तौर पे 65.5 अगर है तो आप क्या चाह रहे हैं कि वो 5 ख़त्म हो जाए, 0.5 जो है वो ख़त्म हो जाए और उसको मैं नंबर को राउंड कर लूँ, उसमें से जो डेसिमल पॉइंट है उसको रिमूव कर दूँ मैं, ठीक है। तो उसके लिए मैथ डॉट राउंड करके ये मेरे पास चीज़ मौजूद है। अब स्कोर एवरेज आया था मिसाल के तौर पर 71.2, ठीक है, 71.2 आया था, तो ये मैथ डॉट राउंड मुझे क्या रिटर्न करेगा? 71 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अब इसका राउंडिंग का क्राइटेरिया क्या है? अगर 0.5 होगा या उससे ऊपर होगा तो ये अगले इंटीजर पे लेके चला जाएगा, यानी 71 से उसको 72 पे पहुंचा देगा, और अगर 0.5 से कम होगा यानी 71.4 होगा या 3 होगा या 2 हो, तो उसको वो प्रीवियस इंटीजर पे पहुंचा देगा, यानी कि 71 पे पहुंचा देगा, ठीक है। ये आप लोगों ने शायद मैट्रिक वैट्रिक में भी पढ़ा होगा, नंबर को राउंड करना, तो ये वो वाला है, ठीक है। तो एक है मैथ डॉट राउंड। मैथ डॉट राउंड क्या करता है? इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है कि भाई 0.5 अगर है तो आगे ले जाओ, 0.5 से कम है तो पीछे ले जाओ, ये इंटेलिजेंटली डिसाइड कर, इंटेलिजेंट तो नहीं खैर फिक्स है ये। अच्छा, उसके बाद अब एक चीज़ है सील और फ्लोर, ठीक है। मैथ डॉट राउंड है ना जैसे, इसी तरह मैथ डॉट सील है, सी ई आई एल। अब सील इसको हम चला के देख लेते हैं, तीनों को चला के देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने कहा कि लेट स्कोर इक्वल टू 71.4, ठीक है, 71.4 मेरा स्कोर है। तो मैंने कहा कि मैथ डॉट राउंड, ठीक है, अब मैं इसको स्कोर दूंगा तो क्या रिटर्न करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया जो अभी मैंने बताया? 71 कर देना चाहिए इसको, ठीक है, 71 कर दिया। अच्छा, अब अगर मैं ये करूँगा, अच्छा ओरिजिनल वेरिएबल को ये चेंज नहीं कर रहा है, ये जस्ट मुझे वक्ती तौर पे निकाल के दे रहा है, ओरिजिनल वेरिएबल अपनी जगह है। अच्छा, मैथ डॉट सी ई आई एल सील, अगर मैं ये करूँगा, अच्छा सील छत को बोलते हैं ना अंग्रेजी में, जैसा ना सीलिंग फैन, वो ये वही सील है, तो ये छत को बोलते हैं। तो सील हमेशा क्या करेगा? हमेशा ऊपर लेके जाएगा, नीचे कभी भी नहीं लाएगा, मतलब 71.4 है ना, तो ये इसको 72 पे लेके जाएगा हमेशा, ये नीचे नहीं लाएगा इसको, सही है स्कोर, तो 72 पे हमेशा लेके जाएगा। अच्छा, इसी तरह मैथ डॉट फ्लोर है, ठीक है, फ्लोर कहते हैं हम ज़मीन को, ये हमेशा नीचे लेकर आएगा, ठीक है, देखो ये हमेशा 71 पे लाएगा, चाहे वो 71.9 भी होगा ना तो उसको 71 पे लेकर आ जाएगा। तो तीन ये तरीके मौजूद हैं नंबर को राउंड ऑफ करने के, नहीं ना राउंड इंटेलिजेंटली डिसाइड करेगा। देखो अभी मेरी वैल्यू थी 71.4, अगर मैं स्कोर को चेंज कर दूँ, स्कोर को मैं कर दूँ कि भाई 71.8 कर दूँ अगर, ठीक है, तो मैथ डॉट राउंड इसको ऊपर लेके जाएगा, लेकिन फ्लोर कहाँ लेके जाएगा? फ्लोर हमें अभी, चलो फ्लोर लगा के देखते हैं पहले, फ्लोर अभी भी इसको 71 पे ला रहा है, लेकिन अगर मैं इसको मैथ डॉट राउंड पे लेके जाऊँ तो मैथ डॉट राउंड इंटेलिजेंटली डिसाइड कर रहा है और इसको
आगे लेके चला जा रहा है, ठीक है, 5.5 या उससे ऊपर होगा तो आगे ले जाएगा वो। अच्छा भाई, ये सब लोगों को समझ आया? मैथ लॉट टर्न, अच्छा ये मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया। मैथ डॉट टी से तो कुछ भी नहीं आ रहा। अच्छा टी ए एन जो है ये वो टेन थीटा कॉस थीटा वाला बन रहा है ये? नहीं, टी आर यू, अच्छा ट्रंक, ये ट्रंकेट करके एक होता है फंक्शन, ट्रंकेट होता है ये, भूल गया हूँ मैं करता क्या है। हाँ गॉट, ट्रंकेट क्या करता है कि आगे पॉइंट के बाद जो भी उसको उड़ा के साइड पे कर देता है। सही कहा तुमने, देख भी लेते हैं। मैथ डॉट ट्रंकेट, सही है, इन्होंने क्या लिखा, मैथ डॉट ट्रंकेट फंक्शन रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ अ नंबर रिमूविंग एनी फ्रैक्शनल डिजिट्स। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन के बाद कोई भी डिजिट होगा उसको सीधा उड़ाएगा वो और आपको जस्ट इंटीजर वाला साइड रिटर्न कर देगा। फ्लोर से भी यही काम हो रहा होता है, लेकिन मे भी कोई फ़र्क होगा जब उन्होंने अलग फंक्शन बनाया। वेल ट्रंकेट नाम मुझे याद आ रहा है, मैंने यूज़ किया है पहले भी। खैर, अच्छा अब हमारे पास आ गया एक छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रैंडम नंबर जनरेट करना। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट काम है प्रोग्रामिंग में, बहुत सारी जगहों पे आपको ये ज़रूरत पड़ती है कि आप रैंडम नंबर जनरेट करें। ठीक है, जैसे कि कोई लकी ड्रॉ करना है आपने, जैसे आप में से किसी एक का हमें नाम निकालना है, ठीक है, और उसको दुबई भेजना है, तो उसके लिए मुझे रैंडम नंबर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग में ये होता है, हर लैंग्वेज में होता है, एक्सेल की शीट में भी हो जाता है ये। तो अब इसके लिए क्या तरीका मौजूद है भाई, इसके लिए मैं एक फाइल बना लेता हूँ न्यू, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ इसका कोड यहाँ पे सेव रहे। रैंडम नंबर, अच्छा रैंडम नंबर जब हम जनरेट करते हैं, मैंने कहा कि लेट रैंडम नंबर इक्वल्स टू मैथ डॉट रैंडम, और बस मैंने ये इतना कर दिया। मैंने क्या कहा, मैथ डॉट रैंडम से एक रैंडम नंबर जनरेट करके ये अपने वेरिएबल में रख लिया। कंसोल डॉट लॉग, सही है, और रैंडम नंबर को मैंने क्या करवा दिया, कंसोल पे प्रिंट भी करवा दिया कि भाई जो भी नंबर जनरेट हो मुझे प्रिंट होके नज़र आ जाए स्क्रीन पर। अच्छा इसकी, इसको चला लेते हैं। अच्छा जी, अब मैं जितनी दफ़ा पेज को रिफ्रेश करूँगा ये मुझे एक अदद रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। ठीक है, अब ये रैंडम नंबर जो उसने जनरेट किया ना, देखने में कुछ वाहियात सा लग रहा है, लेकिन दो चार दफ़ा और करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आप नोट करें 0 point something ही दे रहा है हर दफ़ा, ये 0.21, 0.99, ठीक है, 0.16। किसी को समझ आ रहा है क्या हो रहा है ये? चलो मैं समझा देता हूँ। देखो मैथ डॉट रैंडम जो होता है वो क्या करता है, हमेशा आपको 0 से लेके 1 तक का एक रैंडम नंबर आपको वो देता है। ठीक है,
अच्छा तो जीरो से लेके वन के दरमियान क्या है? जीरो से लेके वन के दरमियान क्या है? अच्छा कोई यहाँ पे ऐसा बैठा है जिसको मैथ में इंटरेस्ट होता हो, मैथ में इंटरेस्टेड रहता हो, कोई है मैथ लवर? अच्छा मैथ इज नॉट अबाउट आंसर्स बाय द वे, मैथ इज अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए आपका, फिर मैथ में मजा आता है। अच्छा मुझे जब ये डंडे मार मार के मैथ पढ़ाते थे ना, जब तक तो मुझे मैथ अच्छी नहीं लगती थी। जब उन्होंने हार मान ली ना कि भाई हमारी बस हो गई है, तो फिर मुझे मैथ थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी। ठीक है, तो अब जितनी चीज़ें मैंने खुद से एक्सप्लोर की हैं वो मुझे अच्छी लगती हैं। तो उन्हीं में से एक ये भी है कि ज़ीरो से वन के बीच में क्या है भाई? ये कह रहा है ज़ीरो से वन तक का एक नंबर आपको देता है, ज़ीरो से वन के दरमियान का कोई भी एक नंबर दे देता है। तो ज़ीरो से वन के दरमियान है 0.1, 0.2, 0.3, इसी तरह 0.9, और उसके बाद फिर वन आ जाता है। तो ज़ीरो से लेके वन के दरमियान क्या है? 10 नंबर है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.8, 9 नंबर है, सॉरी 0.9 तक। हाँ तो 9 नंबर है ज़ीरो से लेके वन के दरमियान। अच्छा अब ज़ीरो से लेके वन के दरमियान जो ये 9 नंबर है उनमें से पहला कौन सा है? 0.1, यही है ना। दूसरा क्या है? 0.2। इन दोनों के दरमियान में क्या है? 0.01 है, 0.02 है और 9 नंबर है। तो इन 9 नंबर के, हर 9 नंबर के बीच में 9 नंबर और भी हैं। अच्छा फिर उन 9 नंबरों के बीच में क्या है? ये तो चलता रहेगा इसी तरह। तो असल में 0 से लेके 1 के दरमियान में क्या है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। सही है, किसी भी दो नंबर के दरमियान में इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अच्छा तो इसमें मैथमेटिक्स की पूरी ब्रांच है जो इस चीज़ को डील करती है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम फिर करें क्या। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाती है तो फिर हम क्या करें। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन हर जगह मौजूद है, जो इंसान के मुंह से आवाज़ निकल रही है दैट इज़ एनालॉग, हार्मोनिक चीज़ है ये। इसको, इस आवाज़ में इतनी फ्रीक्वेंसीज हैं और उसके बीच में इतना ज़्यादा डेटा है कि पॉसिबल नहीं है उसको उसको प्रोसेस करना, उसको देखना या उसके साथ डील करना, प्रोसेस उसको पॉसिबल नहीं है। या इसी तरीके से जो सनलाइट है, सनलाइट में इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं और उनके बीच बीच में इतनी इतनी फ्रीक्वेंसी है कि उसको पॉसिबल नहीं है पूरी तरह से हैंडल करना। तो कैमरा कैसे बन गया फिर, माइक कैसे बन गया? तो इसको फिर डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। वो कहते हैं चलो यार पॉइंट एक हद तक हम देखेंगे पॉइंट, उसके बाद हम नहीं देखते। ठीक है, तो जब ये कह रहा है ना कि ज़ीरो से लेके वन तक का एक नंबर आपको देगा ये, तो मतलब ज़ीरो से लेके वन के बीच में तो 0.01, 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी डिजिट बढ़ाते चले जाओ, वो तो डिजिट जितने मर्जी बढ़ाते चले जाओ। तो इसका मतलब है डिजिट की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने ये बताया भाई कि जो है ना कितने डिजिट, इन्होंने कहा कि द मैथ डॉट रैंडम फंक्शन रिटर्न फ्लोटिंग पॉइंट सूडो रैंडम नंबर। ठीक है, इसको सूडो रैंडम नंबर कहते हैं, इन द रेंज ऑफ 0 एंड लेस देन 1। अच्छा पूरा 1 भी कभी रिटर्न नहीं करेगा, लेस देन 1 ही रहेगा, 0.9999 होगा लेकिन पूरा 1 नहीं आएगा। विथ अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं होगा कि मतलब 10,000 दफ़ा आपने रैंडम नंबर जनरेट किया तो 10,000 दफ़ा में मतलब 44 के अराउंड घूम रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इवनली। जितने भी नंबर्स हैं 0 से लेके 1 के दरमियान में उनमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वो हर दफ़ा आपको इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके दे रहा होगा। ऐसा नहीं होगा, वेटेड नहीं होगा। जैसे आपने अगर 1 से लेके 100 तक का नंबर कोई जनरेट करना चाह रहे हैं आप, ज़ाहिर कन्वर्ट कर सकते हैं आप उसको, तो वो ऐसा नहीं होगा कि 44 उसका अगर आप परसेंटाइल निकालेंगे तो 44, 43 नहीं आएगा, वो पूरे पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं, हम इस नंबर को स्केल कर सकते हैं अपने डिज़ायर रेंज के ऊपर। इन्होंने तो दे दिया 0 से 1 ना, लेकिन मुझे तो चाहिए 10 से लेकर 20 के दरमियान, तो वो कैसे करूँगा? अभी हम देखते हैं वो कैसे होगा। तो मैं इस नंबर को स्केल करूँगा। अच्छा
ठीक है, ये इन्होंने एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है जिसमें क्या कर रहे हैं, ये मिनिमम और मैक्सिमम इसको दे रहे हैं, और ये कोड क्या कर रहा है उसी नंबर के दरमियान में आपको रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है। तो खैर ये हम अपने पास ज़रा ख़ुद से करते हैं। तो हमने क्या देखा, 0 से लेकर 9 तक हर दफ़ा ये एक रैंडम नंबर देता है। जो भी नंबर इसने दिया है अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से तो क्या होगा, स्केल अप हो जाएगा ये। मिसाल के तौर पे अगर इसने दे दिया पूरा 0, क्योंकि रैंडम नंबर में 0 भी आएगा, 1 नहीं आएगा पूरा लेकिन 0 आएगा, पूरा 0 भी आ सकता है। तो अच्छा 0.123 0 ही है सारा। तो अगर उसने दे दिया ना 0 पूरा 0 दे दिया, यानी 0.00000 पूरा 0 दे दिया, तो फिर इसका मतलब है इस वेरिएबल में क्या चल गया, 0। 0 से जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। अगर इसमें रैंडम नंबर जनरेट हुआ 0.56 तो वो मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 10 से 0.5 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा मतलब, ठीक है। अच्छा तो मैक्सिमम नंबर क्या देगा, 0.99। 1 तो पूरा नहीं देगा, चलो मिसाल के तौर पर 1 दे दे अगर ये, तो वो 10 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 10। तो हमें पता ये चला कि 0 से लेकर 10 के दरमियान का ही कोई नंबर अब मुझे मिलेगा। पहले 0 से 1 का मिलता था, अब 0 से 10 का मिलेगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई हो गया ये। देखते हैं इसको चला के कि ऐसा ही है या नहीं है। अब 3 मिलना शुरू हो गया मुझे, यानी 0 से लेकर 10 तक, देखो 9 तक भी मिला है मुझे। तो अब ये 0 से 10 तक का कोई नंबर मुझे ला के देगा, 2, 8, 3। 0.2 भी आ रहा है, 0 मतलब 0 आया है इस दफ़ा, 9, 3, 8, 7, 3, 3, 0। अच्छा अब इसके बाद ये इतने सारे जो डिजिट्स आ रहे हैं इसका क्या करूँगा, हाँ अब मैं क्या करूँगा, जो भी मुझे चीज़ मिली है यहाँ पे रैंडम नंबर पे, मैं कहूँगा मैथ, मैथ कैपिटल M से होता है, डॉट फ्लोर, फ्लोर लगा दूँ, सही है, फ्लोर भी लगा सकता हूँ, ट्रंकेट भी लगा सकता हूँ, राउंड भी लगा सकता हूँ, क्योंकि ऊपर लेके जाए या नीचे लेके जाए उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो रैंडम नंबर चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो मैं मैथ डॉट राउंड भी इसको कर सकता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा तो मैथ डॉट राउंड लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर एक ज़्यादा कंडीशन चेक हो रही होती है कि भाई 5 से ऊपर है या नीचे, फ्लोर में चेक नहीं हो रहा होगा कुछ, सीधा फ्लोर में लेके जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप ज़्यादातर देखेंगे जगह पे फ्लोर लगा हुआ होगा। अच्छा तो मैंने मैथ डॉट फ्लोर करके इसको क्या कर दिया, इस रैंडम नंबर को फ्लोर पर लेकर आ गया, और इसकी वैल्यू मैंने कहा भाई रैंडम नंबर में दोबारा वापस रखवा दो। तो अब क्या होगा, एक वेरिएबल बना, उसमें एक रैंडम नंबर जनरेट हुआ 0 से लेकर 10 तक का, और वो चला गया इस वेरिएबल में। फिर इस वेरिएबल की वैल्यू को मैंने फ्लोर करवा दिया, तो अब मेरे पास 0 से लेकर 10 तक का एक सिंगल डिजिट नंबर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, 5, 8, 1, 2, 5, 2। सही हो गया, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब अगर उसको मुझे 0 से लेकर 100 तक का करना है तो मैं इसको 100 कर दूंगा, 100 हो गया, सही है। चलो अब देखते हैं 100 तक का आता है या नहीं आता, 49, 96, 5, 54, 86, 73, सही है, हो गया 100 तक का, ये 100 नहीं आएगा पूरा इसमें, 99 तक आएगा एक्चुअली, ठीक है, 99 तक आएगा, 100 मतलब मुझे पूरे 100 तक करना है तो मैं इसको 101 कर दूंगा तो 100 तक आ जाएगा, समझ लो, क्योंकि वो 0.999 देगा लेकिन 1 पूरा नहीं देता, तो मैं 101 कर दूंगा, मतलब ये मसला तो मेरा हल हो गया। लेकिन मसला ये, अब मुझे 0 से नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए 10 से लेके 100 तक का। अब कौन बताएगा कि ये काम कैसे हो सकता है, इसको मुझे 10 से लेके 100 तक लेके जाना है खाली में, नहीं इसमें कुछ दे नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा, इस रैंडम को आप कोई पैरामीटर नहीं दे सकते, ये फिक्स इसी तरह है। हाँ प्लस कैसे करवा देंगे, नहीं मिसाल के तौर पे इसने मुझे आंसर दे दिया 3, तो अब किससे प्लस कराऊँ उसको, प्लस 10 करवा दूँ, नहीं अगर 100 के बाद प्लस 10 अगर मैंने करवा दिया
देखो उसमें मसला है ना प्लस 10 करवाने में। अच्छा ये इन्होंने कोड यहाँ पे एक लिखा हुआ है, ये इनका देख लेते हैं कोड की क्या किया है इन्होंने। इन्होंने क्या किया है कि मैप डॉट रैंडम से 0 से लेकर 9 तक का जो भी नंबर आया ना, इसने मिनिमम को मैक्सिमम से माइनस किया है, मैक्सिमम को मिनिमम से माइनस किया। मतलब मैक्सिमम 100 था ना, तो और मुझे 10 से लेकर 100 तक चाहिए, तो 10 माइनस किया तो यहाँ पे क्या किया 90, ठीक है, और प्लस उसमें मिन दोबारा कर दिया, ये किया तो 90 और ये वाला काम मल्टीप्लाई होगा, जो भी रैंडम नंबर आएगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 90 से मल्टीप्लाई होगा। यानी असल में अब वो क्या कर रहा है, 0 से लेके 90 तक का एक रैंडम नंबर ले रहा है और उसके बाद मिनिमम को उसमें प्लस करवा दिया, तो इस तरह से ये काम अचीव हो जाएगा। अब देखो एक्सप्लेन करता हूँ ये हो क्या रहा है। अभी 90 इधर ब्रैकेट का काम पहले होता है ना, तो 90 इधर पहले आ चुका है, सबसे पहले 90 आ चुका है इधर। अब ये मल्टीप्लाई हुआ 90 से, सही है, तो इसमें दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो 0.01 देगा ये, ठीक है, तो 0 हो जाएगा, मतलब वो एक्चुअली अगर 0 नंबर जनरेट होता है और वो मल्टीप्लाई किससे होता है 90 से, तो वो 0 ही रहेगा और उसके बाद उसमें प्लस हो जाएगा 10। तो अगर उसने रैंडम नंबर ने 0 दिया तो असल में वो 10 जनरेट करेगा, ठीक है। दूसरा केस ये होगा मैक्सिमम नंबर यानी 0.99999 दिया उसने अगर, या इमेजिन कर लो पूरा 1 दे दिया थोड़ी देर के लिए, पूरा 1 तो खैर देगा नहीं लेकिन पूरा 1 इसने दे दिया, तो वो मल्टीप्लाई किससे होगा 90 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1 90 से मल्टीप्लाई कितना बना 90 बना, ठीक है, प्लस मिन में 10 था तो पूरा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमने देखा कि मिनिमम जो नंबर इससे जनरेट हो रहा है वो 10 हो रहा है, मैक्सिमम जो हो रहा है वो 100 हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन पूरा उठा के यहाँ पे आप बना लो, ये फंक्शन इंटरनेट पे वैसे आपको मिल जाता है कॉमनली। इस फंक्शन को आप क्या करेंगे, इस कोड को मैंने रोक दिया, ठीक है, और ये फंक्शन इनका बनाया हुआ उठा के यहाँ पे रख लिया मैंने। अब इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, गेट रैंडम आर्बिट्री, सही है, इसमें मैंने कहा 23 कॉमा, अब कोई भी मैं नंबर लिख दूँ इसमें, क्राइटेरिया तो सेम है ना, कोई भी नंबर लिख दो, मैंने कहा 23 से 45 तक का मुझे दे दो भाई, ठीक है। अच्छा इसको प्रिंट भी करा देता हूँ मैं, मैंने कहा लेट रैंडम नंबर, ठीक है, ये मैंने अपना फंक्शन बना लिया ऑन द टॉप ऑफ मैथ डॉट रैंडम, मैंने अपना एक फंक्शन बना लिया। अब इस फंक्शन को मैं जो नंबर दे के कॉल करूँगा ये उस तरह से मुझे क्या करवाएगा, रैंडम नंबर बना बना के देगा। तो अभी के केस में मैंने इसको बोला है कि 23 से लेके 45 तक का मुझे एक रैंडम नंबर दो और उसको मैंने स्क्रीन पे प्रिंट भी करवाया है, तो 23 से लेके 40, अच्छा ये उसको राउंड नहीं किया हुआ, फ्लोर नहीं किया हुआ, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, फ्लोर कर देता हूँ। मैंने कहा मैथ डॉट फ्लोर और ब्रैकेट ओपन और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, कि जो भी कुछ हो रहा है सबसे आखिर में उसमें मैथ डॉट फ्लोर लगा दो। तो अब ये क्या करेगा, फ्लोर हुआ हुआ नंबर मुझे दे रहा होगा, ठीक है, 44 24 38 27। अच्छा क्योंकि मैंने फ्लोर कर दिया तो ये पूरा 45 मुझे कभी भी नहीं देगा अभी, ठीक है, उसके लिए मुझे फंक्शन में थोड़ी मॉडिफिकेशन करनी होगी जाहिर सी बात है, ठीक है, 23 से लेके 44 तक का ही मुझे मेरा रैंडम नंबर बन गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो मैक्सिमम या मिनिमम, एक्चुअली मैक्सिमम में मुझे एक प्लस करना होगा ना ये करने के लिए, तो मैं कहूँगा मैक्स प्लस प्लस, यानी जो भी काम कर रहे हो उससे मैक्स में एक प्लस कर लो, कि मतलब अगर बंदे ने 100 यहाँ पे लिखा हुआ है तो एक्चुअली फ्लोर की वजह से वो 99 पे लेकर आ रहा है उसको हमेशा, क्योंकि रैंडम नंबर पूरा 1 कभी भी नहीं देगा, 0.999 तक देता है, तो इसलिए मैंने एक प्लस प्लस लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब मुझे ये पूरा, बल्कि इसको ना 0 से लेके 100 ही लगा देते हैं, 0 100। अब देखते हैं ये पूरा 100 मुझे देता है या नहीं देता, पूरा 100 मुझे देना चाहिए इसको, अगर मैं 100 दफ़ा क्लिक करूँगा ना तो उसमें एक दफ़ा मुझे इसको पूरा 100 देना चाहिए, क्योंकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो एक नंबर बार बार भी आ सकता है, बार बार आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा बाय द वे एक ऐसे बात बता दूँ मैं कि कभी भी जो प्रोफेशनल डेवलपर्स होते हैं या जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोई बहुत ही क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है, मिलिट्री ग्रेड का कोई सॉफ्टवेयर है, उसमें रैंडम नंबर जनरेट करना है तो ये बिल्ट इन वाला इस्तेमाल नहीं करते हैं,
क्योंकि ये गैस हो जाता है। पूरा 100, हाँ पूरा 100 आ गया, सही है। मतलब वो प्लस प्लस करवाने से वो पूरा 100 देना शुरू हो गया। तो मुझे ये प्लस प्लस थोड़ा सा ट्वीक करना पड़ा फ्लोर लगाने की वजह से। तो कोई भी जो यहाँ पे हमें करना होता है ना कि सिक्योरिटी बहुत टाइट रखनी है कि भाई ऐसा रैंडम नंबर जो गैस ना हो सके, तो उसमें ये वाला इस्तेमाल नहीं करते फिर, ठीक है। उसके लिए दूसरे तरीके मौजूद हैं, उसके लिए हम या तो सीपीयू के टिक्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो मेरी मर्ज़ी की हो। फिर कुछ लाइब्रेरीज़ भी हैं रैंडम नंबर की, उसमें सीड दिया जाता है, सीड दे के तो उस सीड के बेस पे वो रैंडम कर रहा होता है। क्योंकि जाहिर है जावास्क्रिप्ट ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जावास्क्रिप्ट का अगर मैं कोड जाके देखूंगा ना तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि ये मैथ डॉट रैंडम क्या क्या चीज़ों को अकाउंट में लेता है ये रैंडम नंबर जनरेट करते हुए। अगर दो मशीनें हैं और दोनों में दोनों एक ही टाइम जोन में मौजूद हैं, एक ही इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्टेड हैं और एक ही वक्त में मैं एक ही प्रोग्राम दोनों में चलाऊंगा ना तो सेम नंबर आएगा मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है। क्योंकि मैं देख सकता हूँ एग्जैक्टली कि वहाँ पे कैसे उन्होंने जनरेट किया हुआ है। ओपन सोर्स लैंग्वेज है ना जावास्क्रिप्ट, तो इस वजह से कुछ जगहों पे जहाँ बहुत क्रिटिकल होता है गैस आपको लगता है कि गैस ना कर पाएगी, तो वहाँ पे फिर ये बिल्ट इन वाला यूज़ नहीं करते। उसके लिए लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं जो थोड़ी अच्छे लेवल की है। इसी तरह प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी, जहाँ पे क्रिटिकल मैथमेटिकल सिचुएशन होती है वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो अपना प्लस माइनस है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। साइंटिस्ट वगैरह लेवल की जो ऐप होती है उसमें अपना वाला यूज़ नहीं करते, वो फिर लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं प्लस माइनस करवाने की, उनके ज़रिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि जावास्क्रिप्ट का प्लस माइनस एक्यूरेट नहीं है, कभी मिस्टेक्स आ जाती हैं उसमें, सही है जी। अच्छा, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना, ये हम देख चुके हैं। टाइम हो गया, चलो 2 मिनट में ख़त्म करते हैं ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, ख़त्म करते हैं। स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना, ये हम देख चुके हैं। यूज़र से जब भी इनपुट लेते हैं वो स्ट्रिंग में मिलता है, उसको नंबर में कन्वर्ट करना होता है। उसके हमने कौन कौन से तरीके पढ़े हैं अभी तक, हमने उसका एक पढ़ा है पार्स इंट। पार्स इंट क्या करता है, एक तो कैपिटल एन से नंबर है सबसे पहला, वो इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है कि आया कि ये फ्लोट है पॉइंट वाला नंबर है या बगैर पॉइंट वाला है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको वो कन्वर्ट करता है। एक है पार्स इंट, ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को कंसिडर नहीं करता। अगर 71.4 लिखा हुआ है तो ये 71 देगा आपको, 71.8 लिखा हुआ है तो भी 71 देगा आपको ये, ठीक है, नंबर में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, उसके बाद एक है पार्स फ्लोट, ठीक है। अगर 71 भी लिखा हुआ है ना सिर्फ, तो ये आपको क्या देगा, 70.00, ठीक है, जीरो लगा देगा साथ में ये। तो फ्लोट हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट को अकाउंट में लेगा ये। तो एक है पार्स इंट, एक है पार्स फ्लोट, और एक है कैपिटल एन से नंबर। कैपिटल एन से नंबर इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है कि आया कि ये नंबर पॉइंट वाला है तो उसको उसी तरह कन्वर्ट करता है, बगैर पॉइंट वाला है तो उसी तरह कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये हम पहले करके देख चुके हैं, आप लोग अपने कोड में इसको इस्तेमाल भी करते रहे, तो मेरा ख्याल है इसको चला के देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात रहेगी, और जिन लोगों का असाइनमेंट नहीं बना है